सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगों, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो दोस्तों, स्पेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर विजार्ड एंड विचेस, बिकॉज स्पेल्स के बिना वो हाई एडवांस मैजिक नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे पावरफुल विजार्ड्स है हैरी पॉटर यूनिवर्स में जो थोड़ा बहुत एडवांस वॉन्डलेस मैजिक कर सकते हैं, बट स्पेल्स काफ़ी ज़रूरी है विजार्ड और विचेस के लिए, क्योंकि स्पेल्स के चलते उन्हें मैजिक करने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। बट ये स्पेल्स आखिर बनती कैसे है और वॉन्ड को कैसे पता होता है कि एक न्यू स्पेल बन चुकी है? किसी ने स्पेल बना दी है तो वॉन्ड को कैसे पता कि कोई न्यू स्पेल बन चुकी है? तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वो विजार्ड या विच जो हाईली स्किल्ड है वो स्पेल्स बना सकते हैं, बट ये अननोन है, किसी को नहीं पता स्पेल्स बनाने का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। और यहाँ तक कि जेके रोलिंग ने खुद ये नहीं बताया है कि स्पेल्स कैसे बनेगी। बट हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है स्पेल क्रिएशन के बारे में, मैं वो इस वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहली चीज, स्पेल्स बनाने के लिए आपको उस न्यू स्पेल का क्या मोटिव है वो क्लियर होना चाहिए। उस न्यू स्पेल का क्या मोटिव है वो क्लियर होना चाहिए। आप वो स्पेल बना क्यों रहे हो और उस स्पेल का काम क्या होगा? लाइक एक्सपेक्टो पेट्रोनम का काम था डिमेंटर्स से बचना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आप वो स्पेल बना क्यों रहे हो और उस स्पेल से होने क्या वाला है। सेकेंडली, जो मुझे लगता है वो है वॉन्ड की मूवमेंट। ये चीज़ हैरी पॉटर मूवी में उतनी अच्छे से नहीं समझाई गई है, बट अगर आप लोग पॉटर हेड्स पर जाकर रिसर्च करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हर एक स्पेल की मूवमेंट अलग अलग होती है। स्पेल की अपनी एक हैंड मूवमेंट होती है और वो मूवमेंट किसी और स्पेल से मिलनी नहीं चाहिए। लाइक एक्सपेक्टो पेट्रोनम की जो हैंड मूवमेंट है वो एक सर्कल की तरह है, तो उस हैंड मूवमेंट को कॉपी करते हुए आप अवाड़ा का डावरा नहीं बोल सकते। अगर आप सर्कल की तरह वॉन्ड घुमाओगे और अवाड़ा का डावरा बोलोगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वॉन्ड को हैंड मूवमेंट के हिसाब से और स्पेल प्रोनाउंस के हिसाब से ही पता चलता है कि ये विजार्ड या विच कौन सी स्पेल यूज़ करना चाहता है। क्योंकि अब देखो, स्पेल कोई देख तो सकती नहीं है और ये तो पता नहीं लगा सकती ऑटोमेटिकली कि हम कौन सी स्पेल करने वाले हैं, तो हैंड मूवमेंट के ज़रिए ही स्पेल को पता चलता है कि अच्छा, ये वाली स्पेल ये यूज़ करना चाहता है। तो एक न्यू स्पेल की एक न्यू हैंड मूवमेंट होगी जो कि किसी भी अननोन स्पेल से मिले ना, और वो वॉन्ड को अपने आप पता चल जाएगी। जब कोई भी विजार्ड कोई न्यू स्पेल बनाता है, न्यू हैंड मूवमेंट बनाता है, तो सभी वॉन्ड को वो ऑटोमेटिक पता चल जाता है। इसे ही तो मैजिक बोलते हैं। तो हैंड मूवमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंस है न्यू स्पेल बनाने में। बट दोस्तों, साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता दूं कि सभी विजार्ड विच स्पेल्स नहीं बनाते, और वो इसलिए क्योंकि स्पेल क्रिएशन काफ़ी डेंजरस प्रोसेस है, इससे जान भी जा सकती है। लाइक पेंडोरा लव गॉड, उसकी स्पेल उस पर ही बैकफायर्ड हो गई थी जिससे उसकी मौत हो गई, इसलिए काफ़ी विजार्ड विच स्पेल नहीं बनाते। हो सकता है कि इसका भी प्रोसेस हॉक्रक्स मेकिंग की तरह डेंजरस हो, तभी जेके रॉलिंग ने कहीं पर भी इसका प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करा है, ताकि लोग असली में परफॉर्म करके देखने ना लग जाए। तो इसीलिए इसका भी एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि अगर इसका प्रोसेस ईजी होता तो हमें पता चल जाता जेके रॉलिंग या किसी सोर्स के जरिए, बट कहीं पर भी इसके बारे में नहीं बताया। सो आई थिंक ये प्रोसेस डेंजरस हो सकता है। हालांकि काफ़ी विजार्ड्स लाइक स्नेप और भी बहुत सारे विजार्ड हैं, उन्होंने स्पेल्स बनाई थी, बट हो सकता है कि जो स्पेल्स है, जैसे कि कोई मामूली स्पेल बनानी है, जैसे कि टॉर्च वाली स्पेल हो गई, लाइट ही जलानी है या फिर नॉर्मल आग जलानी है, वैसी स्पेल हो गई तो वो ईजिली बन सकती है। बट जैसे अवाड़ा का डावरा हो गया, किसी को कर्स मारना हो गया, वैसी स्पेल जो है काफ़ी डेंजरस तरीके से बन सकती है और हो सकता है वो बैकफायर भी कर दे। तो आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।